और से अगली बड़ी खबर, जहां आज सपा विधायक आजम खान पर फैसला आना है। आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। 2019 चुनाव में अपशब्द कहने के मामले में फैसला आएगा। दरअसल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को अपशब्द आजम की ओर से कही गए थे। धमकी देने, दंगा भड़काने, धर्म के नाम पर वोट मांगने का भी आरोप इनके ऊपर लगा है। ये जो पूरा मामला है 7 अप्रैल 2019 का है, जिस पर आज फैसला आना है। आजम खान पर आरोप यह है कि उन्होंने सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में रामपुर के खाता नगरिया गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों अधिकारियों के लिए अपशब्द कहे, जिसको लेकर 9 अप्रैल 2019 में उन पर केस दर्ज हुआ था। कानूनी जानकारों के मुताबिक इस मामले में अगर सपा नेता आजम खान को 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा और जमानत के लिए उनके पास 1 महीने का समय होगा। 2 साल से अगर कम की सजा होती है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो इस मामले में उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो भी रद्द की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ा फैसला है आजम के लिए। कोर्ट क्या फैसला देगा इसका सभी को इंतजार है। ये जो पूरा मामला था जिस पर आज फैसला आना है, 7 अप्रैल 2019 का था। उस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने जो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और अधिकारियों के लिए अपशब्द कहे थे, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ। अब आज कोर्ट का फैसला क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, आज का फैसला आजम खान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर सजा 2 साल से कम की होगी तो जमानत के लिए 1 महीने का समय मिल जाएगा, और अगर 2 साल से ज्यादा की होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी सदस्यता तक जा सकती है। जी देखिए, आज का दिन आजम खान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो आचार संहिता उल्लंघन का और आपत्तिजनक बयान का केस उन पर दर्ज हुआ था, उसमें आज फैसला आना है। और अगर इसमें उनको सजा होती है तो उनके पास समय होगा जमानत मिलने का। तो आज गिरफ्तारी की तो तलवार नहीं है, लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसमें फिर उनकी जो सदस्यता है, क्योंकि अभी वो रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक हैं, उस पर ख़तरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो हायर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आज पहला ऐसा जो मुकदमा है जो आचार संहिता उल्लंघन का, रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में जो है, आज अदालत उसमें अपना फैसला सुनाएगी। अब देखना ये होगा कि अदालत क्या उनको राहत देती है, या फिर जो जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों आचार संहिता के मामलों में कुछ नेताओं को सज़ा भी हुई है रामपुर में, तो क्या आज उनको कोई सज़ा सुनाई जाती है। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो फिर जो उनकी विधानसभा की सदस्यता है उस पर खतरा मंडराएगा। हालांकि आजम खान की गिरफ्तारी का आज कोई सीन नहीं है, क्योंकि उनको जमानत, देखिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में लगभग 12 बजे के बाद ये फैसला आएगा, जब जज साहब बैठेंगे और उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे, तो 12 से 1 के बीच में ये फैसला आ सकता है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है आजम खान के लिए, और हम इस वक्त आजम खान के घर पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, और जो आजम खान हैं उनकी तबीयत जो है वो बताया जा रहा है कि वो नासाज है, वो बीमार हैं, क्योंकि उनके पिछले दिनों हार्ट के ऑपरेशन हुए थे, 2 स्टेंट उनको पड़े हैं, तो इस वजह से आजम खान अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उनके डॉक्टर तय करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि लगभग 11 बजे आजम खान, अगर सब कुछ सही रहा, तो वो अदालत जाएंगे, क्योंकि आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी, और ऐसे में आरोपी का अदालत में रहना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। उबैदुर रहमान, एक आखिरी सवाल और है मेरा, कि अगर हम दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें, कानूनी दावपेच को समझने की कोशिश करें, कोर्ट अगर 2 साल से कम का फैसला सुनाता है, सजा सुनाता है, तो वक्त मिल जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, जमानत के लिए समय भी होगा, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर क्या ऑप्शन रहता है आजम खान के पास अपनी सदस्यता को बचाने के लिए? देखिए, हमारी आजम खान के वकील से और जो सरकारी वकील है, दोनों पक्षों के वकीलों से जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन ये देखना होगा कि अदालत कितना सजा देती है। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उन्हें सुनाई जाती है तो फिर उनकी जो सदस्यता है विधानसभा की, उस पर ख़तरा हो सकता है। लेकिन आजम खान को गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़मानत का प्रावधान है, जो भी धाराएं लगी हैं, 3 धाराएं लगी हैं उसमें, वो बेलेबिल हैं, उसमें उनको ज़मानत मिल सकती है। तो फिलहाल आजम खान के लिए राहत की बात तो ये है कि जो इसमें धाराएँ हैं
उसमें जमानत मिल सकती है, लेकिन जो विधानसभा की सदस्यता का मामला है वो गंभीर हो सकता है अगर 2 साल से ज्यादा की सजा अदालत सुनाती है। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा उबैदुर्रहमान कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी है। खुद आजम खान के लिए भी आज का दिन बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।